स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग सबसेट्स. अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी. मीन्स वी हैव अ सेट ए एंड अ सेट बी. सो दैट सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. मीन्स ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स अगर बी सेट के अंदर हैं तो ए को बी का एक सबसेट कहेंगे हम. यहां सबसेट से मतलब है एक छोटा सेट, मतलब किसी भी दिए हुए सेट का एक छोटा सेट या एक छोटा पार्ट. तो बी सेट के अंदर क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स हैं इसलिए ए को बी का एक सबसेट कहेंगे. इन अदर वर्ड्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी. दिस इज द सिंबल ऑफ साइन ऑफ सबसेट. सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए. अब यहां ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये ए जो है ये एक सेट है कैपिटल ए और ये जो स्मॉल ए है ये एक एलिमेंट है. सो कोई एक एलिमेंट है जो ए सेट को भी बिलोंग कर रहा है और वो ही एलिमेंट बी सेट को भी बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये ए जो होगा वो बी का एक सबसेट होगा. ठीक है. नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हम सबसेट्स तो निकाल रहे हैं लेकिन किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे. तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन हैं तो टू टू द पावर एन करके और हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए वी हैव टू राइट द सबसेट्स ऑफ दिस. सो दिस इज अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट. सो वी हैव वन एलिमेंट हियर. सो वेन विल पुट वन एट द प्लेस ऑफ एन देन टू टू द पावर वन. देखिए टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा. मीन्स इसके कितने सबसेट होंगे. टू सबसेट्स होंगे. अब वो टू सबसेट्स कौन से होंगे. देखिए टू सबसेट्स होंगे. एक तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है इसलिए एक तो ये खुद ही एलिमेंट हो जाएगा और एक होता है फाई. फाई जो होता है फाई को नल सेट भी बोलते हैं और ये जो नल सेट या एम्प्टी सेट होता है ये हर सेट का सबसेट होता है. ठीक है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. मतलब ये फाई हर बार जब भी हम सबसेट्स निकालेंगे तो उनमें ये जरूर आएगा. ये फाई एक सबसेट होता ही है और एक वो जो सेट है वो खुद सारे एलिमेंट्स के साथ वो खुद अपने आप का सबसेट होता है. तो मतलब ये दो तो फिक्स हैं और फिर बाकी आपको एलिमेंट्स अलग अलग करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप सेकेंड देखिए वी हैव ए एंड बी टू एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट. सो इफ टू एलिमेंट्स आर देयर सो टू टू द पावर टू इज इक्वल टू फोर. मीन्स वी विल हैव फोर एलिमेंट्स इन द सबसेट ऑफ दिस सेट. सो वी विल राइट द सबसेट्स. सो द फर्स्ट वन ए देन बी देन ए बी. वो खुद सेट उसका सबसेट होता है और एक फाई. ओके. तो आप देखिए कैसे होगा सबसेट कि ये जो सबसेट है इसका एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करना चाहिए. तो यहां पर ए है यहां पर भी ए है यहां बी है ये बी इसमें इस सेट में भी है. यहां पर ए और बी दोनों इस सेट में है और एक नल सेट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. वन टू एंड थ्री. सो टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू एट. इट मीन्स वेन विल राइट द सबसेट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी एट. सो आप देखिए कैसे वन देन टू देन थ्री देन वन टू
टू थ्री, वन थ्री, देन वन टू थ्री, देन फाइव. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये दो तो मैंने बताया था आपको कि फिक्स है, और बाकी इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे, क्योंकि जो सबसेट होता है उसका एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है. तो ये वन इसको बिलोंग कर रहा है, टू भी इसको बिलोंग कर रहा है, थ्री भी, वन और टू भी, टू और थ्री भी, वन और थ्री भी उसको बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, फाइव. फाइव मीन्स नल सेट. सो नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर हम ग्रुप किस किस के बनाएंगे. और हमेशा किसी भी सेट का एक सबसेट जरूर होता है, और वो है नल सेट फाई. तो इस फाई का सबसेट भी क्या हो जाएगा, फाई या नल सेट ही हो जाएगा. फिर फोर एंड फाइव. सो अगेन, अब देखिए यहां पर देखिए कैसे आप पता करेंगे फाई या नल सेट, और नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे टू टू द पावर जीरो, सो वो वन हो जाएगी. ठीक है, अब यहां पर अगेन टू टू द पावर टू इज इक्वल टू फोर. सो सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, फोर फाइव, फोर फाइव एंड फाइव. ओके, तो ये बात हुई सबसेट्स की. अब हम बात करेंगे पावर सेट की. अब आप देखिए कि पावर सेट क्या होता है. पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. इट मीन्स अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सारे सबसेट्स निकाले, तो ये जितने भी सबसेट हमने निकाले हैं, ये सबसेट को अगर हम एक सेट के अंदर रख दें, मीन्स हर एक सबसेट जो है वो उस सेट का एलिमेंट बन जाए. जैसे यहां देखिए, a इज इक्वल टू, सपोज मैं एग्जांपल लूं x सेट a, और a में अभी हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल a कॉमा b. ओके, सो इट इज अ सेट विच हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी. सो वेन विल फाइंड आउट द सबसेट्स ऑफ दिस, सो सबसेट्स विल बी ए बी ए बी एंड फाइव. ओके, दिस विल बी द सबसेट्स. तो देखो ये अपने आप में ये क्या है, ये सबसेट्स हैं. ये हमने इन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब ये सबसेट्स हैं अब सारे. तो जब इन चारों सबसेट्स को हम एलिमेंट्स बना के एक सेट के अंदर रख देंगे, जैसे पावर सेट ऑफ ए, देखिए इट इज अ पावर सेट दैट कैपिटल पी. कैपिटल पी ऑफ ए मीन्स इस ए का पावर सेट जो होगा वो होगा ए बी ए बी एंड फाइव. ठीक है, मतलब इन सभी को सब सबसेट्स को एलिमेंट्स बना के और अगर एक सेट के अंदर रख दिया है तो वो एक पावर सेट होगा. इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ, देखिए ये एक सेट है, ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. ठीक है, एक और एग्जांपल से बताता हूं मैं. फाइव सिक्स सेवन, दिस इज अ सेट. सो सबसेट्स विल बी फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सिक्स सेवन, फाइव सेवन
5, 6, 7 and 5. So power set of A, ये पावर सेट जो होगा इसमें सभी सबसेट्स आ जाएंगे. फाइव सिक्स सिक्स सेवन फाइव सेवन फाइव सिक्स सेवन एंड फाइव. सो हर एक सबसेट जब किसी सेट का एलिमेंट बन जाएगा तो उस पूरे सेट को हम पावर सेट कहेंगे. तो यहां पर अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दैट हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव. हाउ मेनी एलिमेंट्स, पावर सेट जो होगा पी ऑफ ए, किसी ए का पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे. अगर ए जो है वो एक नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है, अगर वो एम्प्टी सेट है तो मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका सबसेट कौन होगा. उसका सबसेट होगा एक ही होगा, वो है फाइव. इसके पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि उसका सबसेट एक ही होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स टू टू दी पावर जीरो, और टू टू दी पावर जीरो जो होता है वो क्या होता है, वन होता है. इसलिए इसमें वन एलिमेंट होगा सबसेट में, तो सबसेट जो होगा वो एक ही सबसेट होगा ये. और इस सबसेट को आप अगर किसी सेट के अंदर रख देते हो, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, जब आप इसको किसी सेट के अंदर रख देते हो तो वो पावर सेट बन जाता है. तो इसलिए पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, वन ही एलिमेंट होगा. इसीलिए जब आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जब आपको नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ाया था, तो नल सेट या एम्प्टी सेट में मैंने आपको बताया था कि या तो आप नल सेट को फाई से और या फिर ऐसे एम्प्टी सेट से बताओगे. आप इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, आप इस ब्रैकेट के अंदर इस फाई को नहीं लिख सकते, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर फाई को लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पावर सेट बन जाएगा. इसलिए आपको सिर्फ अगर नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको या तो फाई लिखना पड़ेगा या फिर एम्प्टी सेट लिखना पड़ेगा. आप इन दोनों को मिला के नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों को मिला के लिख दिया तो वो पावर सेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब आप देखिए, सेट्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स. अब देखिए, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दो होते हैं. वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल हम यहां पर समझेंगे. उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में थोड़ा बताया था, जिसको अब आप इन एग्जाम्पल से समझिएगा. देखिए, यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हमको इंटरवल्स लिखना है. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स. सो एक्स इस टाइप से है, इस प्रकार से है कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को. और दूसरी कंडीशन क्या है, वो जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन माइनस फोर होगी और लेस देन और इक्वल टू सिक्स होगी. इसको पढ़ते कैसे हैं पहले आप देख लीजिए, ये जो कंडीशन लिखी हुई है इसको पढ़ने का तरीका क्या है. x इज ग्रेटर देन, देखिए ये ग्रेटर का साइन x की तरफ है, सो x इज ग्रेटर देन माइनस फोर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स. कंडीशन क्या बनेगी, देखिए आप, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर
एंड लेस देन और इक्वल टू 6, तो आपको यहां पर कंडीशन देखनी है कि हम ये लिमिट बता रहे हैं, हम रेंज बता रहे हैं कि कौन सी वैल्यू से कहां तक इसकी रेंज रहेगी इस x की, ये जो सेट है तो इस ये जो x की वैल्यूज है इसकी रेंज कहां तक रहेगी, मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है कि एक एलिमेंट तो हो गया -4 मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर एंड पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन आपको ब्रैकेट्स लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट्स कौन से यूज करना है, आप उसमें जल्दबाजी ना करें, आप पहले समझ लें कि इसके ब्रैकेट लगाते समय क्या ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल जो होता है उसको शॉर्ट ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसको बिग ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें दोनों एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, मतलब ये -4 से ग्रेटर है, मतलब -4 उसमें शामिल नहीं है। देखिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो आप यहां पर तो इस साइड तो इसको स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे, और यहां पर देखिए x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 है। अब लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब 6 के इक्वल भी है, यानी 6 उसमें इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड होता है तो आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ये शो करेगा कि जो कंडीशन है उसमें 6 इंक्लूड है, और ये ओपन ब्रैकेट ये शो करेगा कि इसमें -4 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको और आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से यहां देखिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में कंडीशन दी हुई है। हम यहां पर दूसरी कंडीशन देखते हैं, -12, सो दैट -12 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड -10 इज द एंड पॉइंट। बट अब आपको देखना है कंडीशन, यहां पर जो x की वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, ओके, लेस देन -10 एंड ग्रेटर देन -12, तो मींस यहां पर दोनों जगह इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इट मींस ये दोनों पॉइंट कंडीशन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं और इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो हम यहां पर ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि -12 से -10 के बीच की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। वैसे यहां देखिए, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट 7 प्लस 7, इसे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां इक्वल का साइन लगा हुआ है, मींस ये x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और अगर 0 भी हो सकती है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, और 7 यहां पर सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल नहीं है मतलब x की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसे हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसे देखते ही आपको समझ में आएगा कि 7 इंक्लूड नहीं है और 0 इंक्लूड है। अब यहां देखिए, 3 एंड 4, तो आप पहले 3, 4 लिख लोगे, फिर आप यहां पर देखोगे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहां भी लेस देन और इक्वल टू का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब 3 और 4 दोनों कंडीशन में इंक्लूड हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में 3 और 4 दोनों रहेंगे। तो अब आपको अगर ये समझ में आया तो इसी के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और हमें उससे इंटरवल्स लिखने थे, अब आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं और उससे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ये एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं। यहां देखिए, ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है और यहां -3 और 0 है, तो अब आपको ऐसी कंडीशन लिखनी है मीन सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये ओपन ब्रैकेट क्या कहते हैं कि -3 और 0 इंक्लूड नहीं है। तो आप इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो हो गया पहले, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, आपको x लिखना है सेंटर में, है ना, और यहां आप पहले तो लेस का साइन तो लगा ही लो, और आप लेस का साइन लगाने के बाद आप देखोगे
कि आपको इक्वल का साइन लगाना है या नहीं लगाना है। तो क्योंकि यहां पर दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होने से यहां हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे और यहां हम लिख देंगे -3 और यहां लिख देंगे 0। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि -3 और 0 दोनों ही कंडीशन में इंक्लूड नहीं है। x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। अब ग्रेटर देन -3 और x और लेस देन 0 मतलब कंडीशन के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, -2 -1, बस -2 और -1, 0 भी नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। अब यहां क्लोज ब्रैकेट है, फिर से कंडीशन देखिए, x इज सच दैट x belongs to R and close brackets are there. So 6, then here x less than or equal to and 12. और हम इसे पढ़ेंगे कैसे, x is greater than or equal to 6 and less than or equal to 12. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, इस रेंज का मतलब क्या हुआ, इस रेंज का मतलब है कि 6 और 12 दोनों भी इंक्लूड हैं। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी होंगे। तो यहां देखिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मतलब 6 से बड़ा, और लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब 12 से छोटा और उसके बराबर, और यहां 6 से बड़ा और उसके बराबर। तो 6 से बड़ी वैल्यू होगी और 6 के इक्वल भी होगी, और 12 से छोटी वैल्यू होगी और उसके इक्वल भी होगी। तो कितनी वैल्यूज हुई, ये वैल्यूज हुई 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसीलिए कहते हैं कि ब्रैकेट्स का मतलब या इंटरवल्स का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 6 है और एंड पॉइंट 12 है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ओपन ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पे जो है वो क्लोज ब्रैकेट है, और इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 7 कंडीशन में इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड देन x सेंटर में, और ये ओपन ब्रैकेट है मतलब इधर सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा और यहां पर आएगा 3, और क्योंकि यहां 7 इंक्लूड है इसलिए यहां आएगा लेस देन और इक्वल टू का साइन और हम यहां लिख देंगे 7। ओके, इसी तरह से x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब यहां देखिए, ये क्लोज ब्रैकेट है मतलब -23 इंक्लूड है, सो आप लिखोगे -23 लेस देन और इक्वल टू x, और 5 है और ये ओपन ब्रैकेट है मतलब 5 इंक्लूड नहीं है इसलिए सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंटरवल्स की, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी आपको सेट दिए हुए हैं उन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें इन सभी सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। मींस जैसे ए बी और सी जिस सेट के सबसेट हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो यूनिवर्सल सेट्स, इन तीनों सेट्स के यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं एक सेट बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पी, सो अगर पी मैंने एक सेट लिया है और उस सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स लिखता हूं, देखिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए ये मैंने एक सेट बनाया है, अब इस सेट को चेक करते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। आप देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब ये सभी सेट्स जो हैं इनके एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। तो ये देखिए 1, 3, 5, यहां देखिए 1, 3, 5 है इसमें, यहां देखिए 2, 4, 6, इसमें है क्या 2, 4 और 6, देखिए 2, 4 और 6 है। फिर यहां सी सेट देखिए, इसमें है 0, यहां 0 भी है।
2, 4, 6, 8 मतलब इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, इसलिए ये पी सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट हुआ ए बी और सी का. सो हम यहां कह सकते हैं कि पी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी. और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हुआ. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक सेट लिया मैंने Q, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो Q सेट है ये A, B, C का यूनिवर्सल सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 1, 3, 5, 2, 4, 6 ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, यहां पर भी सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका ये जो जीरो है एलिमेंट वो जीरो इसको बिलोंग नहीं करता है. क्यू में ये जीरो नहीं है, इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि ये क्यू ए और बी का यूनिवर्सल सेट है बट सी का यूनिवर्सल सेट नहीं है. ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और देखिए. सपोज पी इज इक्वल टू ए बी, क्यू इज इक्वल टू सी डी, आर इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और मैं अगर यहां पर एक सेट लूं टी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो क्या ये टी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा? तो इसका आंसर है यस. यहां पर ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा और यहां यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि देखिए ए बी यहां पर दोनों हैं इंक्लूड. Q सेट C D यहां C और D है, यहां A B C D E, A B C D E सारे एलिमेंट्स, तो तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं. इट मीन्स T इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ P Q एंड R. T इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ P Q एंड आर.